कुछ एग्जांपल समझते हैं रिफ्रैक्शन के। अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। एक पेंसिल है जो कुछ इस तरीके के है, लेकिन हमें इस पेंसिल की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे ऊपर की तरफ दिख रही है। इसकी नीब यहाँ टच कर रही थी, लेकिन हमें वो ऊपर की तरफ दिख रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, लेमन है आउटसाइड वाटर ग्लास। जब इसे वाटर ग्लास के अंदर डालते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, ये मछली है जो तैर रही है और इसकी एक्चुअल पोजीशन फिश की जो नीचे है, लेकिन जब ये व्यक्ति इसे देख रहा है तो ये एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर इस फिश को हमें पकड़ना है तो जहाँ फिश दिख रही है उसके नीचे पकड़ना होगा या फिर जहाँ फिश दिख रही है वहाँ पकड़ना होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिश की जो एक्चुअल पोजीशन है वो नीचे है और जो फिश दिख रही है वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रही है। सेम ऐसे ही जो डेप्थ है इस तालाब की, जो गहराई है वो नीचे है यानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो पानी के अंदर एंटर करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक तालाब में पानी कम दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में उसमें पानी बहुत ज़्यादा गहरा होगा। तो यहाँ पे ये लिख रखा है, पोजिशन ऑफ फिश इन वाटर अपीयर्स टू बी अबव द एक्चुअल पोजिशन, अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर अपीयर्स अबव द एक्चुअल डेप्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।